खबर पीलीभीत जनपद से है, जहां थाना माधोटाना क्षेत्र में घर में घुसकर चोरी करने वाले चार सात अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। माधोटाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए जेल भेजा गया। वहीं पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि माधोटाना क्षेत्र में जो चोरी की घटनाएं हुई थी और एक थाना गजरौला क्षेत्र में हुई थी, पकड़े गए अभियुक्तों के पास से चोरी किए गए सामान भी बरामद कर लिए गए हैं तथा इनके पास से अवैध असलहा भी बरामद किया गया है। साथ ही जिस गाड़ी से घटनाओं को अंजाम देते थे वह गाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। आपका खुलासा करते हुए कुछ अभियुक्त पकड़े गए, क्या पूरा मामला है? थाना माधोटांडा में चार अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि माधोटांडा में दो घटनाएं हुई थी चोरी की, घर में घुस करके घटना की गई थी। इसी तरह से एक घटना वहाँ गजरौला में हुई थी। तो इन घटनाओं का खुलासा हुआ है, तीन घटनाओं को अभियुक्तों ने स्वीकार किया है और इनसे संबंधित माल भी बरामद हुआ है और इनसे अवैध असलहे बरामद हुए हैं। और जिस गाड़ी से ये लोग रात में घूम करके ये घटना करते थे वो गाड़ी भी बरामद हुई है। हम लोग इनकी और क्रिमिनल हिस्ट्री और इनकी गतिविधियों की गहराई से छानबीन कर रहे हैं और अब पूछताछ कर रहे हैं। वहीं पीलीभीत जिला अधिकारी पुलकित खरे ने विकास खंड मरौरी के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय टाह पौटा में छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरण करने के साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत कराए गए कार्यों का निरीक्षण किया। उसी दौरान विद्यालय के खेल मैदान में बच्चों को खेल खेलने के टेनिस व बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण मनरेगा के माध्यम से कराने के एडीओ पंचायत को निर्देश देते हुए मिशन कायाकल्प के अंतर्गत कराए गए कार्यों का चार अतिरिक्त कक्षाओं में टाइल्स का कार्य तत्काल प्रारंभ कराने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही विद्यालय परिसर में कार्यों को जल्द पूरा कर पुस्तकों को सही क्रम में लगाने व लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने व विद्यालय परिसर में बाउंड्री वॉल के पास से गंदगी हटाकर साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। पीलीभीत जनपद से निजामुद्दीन की रिपोर्ट। आज इस विद्यालय का निरीक्षण भी करा गया, साथ ही साथ स्वेटर वितरण का भी यहाँ कार्यक्रम जो शासन की तरफ से स्वेटर दिए गए हैं ठंड के समय में बच्चों के लिए है वो भी बच्चों को प्राप्त कराए गए हैं। निरीक्षण में ये देखा गया कि अभी कुछ कक्षाओं में टाइल का काम होना बाकी है और यहाँ पे अच्छा प्लेग्राउंड है यहाँ पे जिसको और विकसित करा जा सकता है, तो उसके निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए। यहाँ पे शिक्षकों से बात करी गई, उनका मनोबल बढ़ाया गया और उनको बताया गया कि कोरोना के मुश्किल समय में भी बच्चों की पढ़ाई जारी रहे अलग अलग माध्यमों से है और इसी को लेकर बच्चों को भी प्रेरित करा गया और उनको स्वेटर दिए गए।